अयोध्या में आज से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आगाज, 7 दिन तक चलेगा विशेष अनुष्ठान। प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन के साथ होगी समारोह की शुरुआत, मंदिर प्रांगण में अधिवास की तैयारी। 17 जनवरी को रामलला की मूर्ति को मंदिर में कराया जाएगा प्रवेश, प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरी की जाएगी संस्कारों की औपचारिक प्रक्रिया। 21 जनवरी तक चलेगी पूजन विधि की प्रक्रिया, जल औषधि गंध घी धान्य शक्कर और पुष्प आदि का अनुष्ठानों में होगा प्रयोग। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त, 121 आचार्य करेंगे अनुष्ठान का संचालन। अयोध्या के सरयू तट पर भी आज होगी विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा, होगा गौदान। मैसूरू के अरुण योगीराज की मूर्ति राम मंदिर के लिए चुनी गई, योगीराज ने ही बनाई है केदारनाथ में आदि शंकराचार्य और दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय ने दी जानकारी, कहा रामलला की मौजूदा मूर्ति की भी मंदिर में जारी रहेगी पूजा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए खास व्यवस्था, 20 और 21 जनवरी को आम लोगों के लिए दर्शन बंद। 23 जनवरी से आम लोगों के लिए दर्शन शुरू होंगे, मंदिर परिसर में सख्त सुरक्षा के इंतजाम। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते रांची के कुम्हारों के चेहरे पर मुस्कान आई, दिए के मिल रहे जबरदस्त ऑर्डर्स। उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग की ओर से चित्रकूट से अयोध्या के लिए निकाली गई श्री रामचरण पादुका यात्रा, रथ पे हुई पुष्प वर्षा। राजस्थान के राम भक्त ने श्री राम को समर्पित की चांदी की थाल, सूर्यवंश के चिन्ह बढ़ा रहे थाल की शोभा। हरिद्वार से अयोध्या के लिए संतों ने शुरू की कलश यात्रा, सीएम धामी ने पूजा के बाद रवाना किया, संतों के साथ रामधुन भी गाई। सैंड आर्टिस्ट रूपेश सिंह ने रेत में बनाया श्री राम मंदिर, सबसे ऊंची रेत की कलाकृति बनाना चाहते हैं रूपेश। महोबा में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जीआरपी पुलिस मुस्तैद हुई, चलाया संघन चेकिंग अभियान। यूपी के झांसी में पुलिस ने बौर क्षेत्र में सख्ती बढ़ाई, अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले समारोह को लेकर अलर्ट। ग्रेटर नोएडा के एक जिम में भी दिखा राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों का उत्साह, रामधुन पे जमकर थिरके जिम के लोग। हुबली के रास्ते अयोध्या जाने वाले भक्तों की मदद के लिए जारी किया गया गाइड बोर्ड, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उद्घाटन किया। पन्ना से अयोध्या के लिए डेली बस सर्विस सेवा शुरू हुई, विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने फीता काटकर शुभारंभ किया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए तीर्थ नगरी सोरों से भेजी गई गंगा जल और प्रसादी, भव्य फूलों से सजे रथ से किया गया था रवाना। अकोला का दिव्यांग रामभक्त साइकिल से अयोध्या के लिए रवाना हुआ, 5 दिन में तय करेगा 1051 किलोमीटर की दूरी। नवगछिया में रामलला के आगे दिव्यांग की आस्था पड़ी भारी, स्कूटी से 630 किलोमीटर की अयोध्या की यात्रा पर निकले दिव्यांग कन्हैयालाल, 20 जनवरी तक पहुंचेंगे अयोध्या। मुंबई में 20 जनवरी को होगा भव्य जय श्री राम रामायण प्ले का आयोजन, नाट्य कथा में बॉलीवुड और टीवी जगत के मशहूर कलाकार अभिनय करेंगे। बागेश्वर से अयोध्या तक पहुंचने वाली सरयू का तट हजारों दियों से जगमगाया, कमाऊ बागेश्वर के बाबा बागनाथ के मंदिर के समीप मनाया गया दीपोत्सव। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उज्जैन से भेजे जाएंगे 5 लाख लड्डू, सीएम मोहन यादव ने निरीक्षण किया, रामलला के लिए बांधे लड्डू। मथुरा से प्रभु श्री राम के लिए अयोध्या भेजे गए लड्डू, शोभा यात्रा के दौरान लगाए गए जय श्री राम के नारे। चंडीगढ़ में तैयार अयोध्या राम मंदिर की रेप्लिका, भव्य पंडाल में 3 दिवसीय रामकथा और भजन संध्या का आयोजन होगा। कुल्लू के आराध्य भगवान रघुनाथ जी को आया प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण, मंदिर में उत्सव का माहौल, रामलला को भेजे जाएंगे कई तरह के आभूषण।
श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर भजन कीर्तन, भक्ति में सराबोर दिखे श्रद्धालु। महेंद्र सिंह धोनी को मिला राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण, धोनी ने जताया आभार। वाराणसी से 55 वैदिक शास्त्रियों का जत्था अयोध्या के लिए रवाना, 16 से 22 जनवरी तक कराएंगे पूजन, यज्ञ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। दिल्ली के वसंत कुंज में नर्मदा सोसाइटी में प्राण प्रतिष्ठा से पहले भंडारे की शुरुआत, 22 जनवरी तक श्रद्धालुओं को खिलाया जाएगा भोजन। दिल्ली के ऑटो पर राम भक्तों को जानकारी देने के लिए चस्पा की गई जानकारी, ऑटो पे लहरा रहे राम ध्वज, लोगों में बेहद उत्साह। प्राण प्रतिष्ठा के दिन वसंत कुंज में स्वामी विवेकानंद पार्क का उद्घाटन होगा, अनुष्ठान लिए पार्क में बनाया जा रहा विशाल हवन कुंड। ग्रेटर नोएडा के मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा की रौनक, श्रद्धालुओं में दिख रहा है रामलला के आने की उमंग। ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम ने पकड़ा जोर, डोर टू डोर लोगों को अखंड रामायण पाठ में आने का दिया जा रहा है न्योता। श्रद्धालुओं से गुलजार हुए सरयू किनारे लगी फास्ट फूड की दुकानें, श्रद्धालु चाय समोसों के साथ फास्ट फूड का आनंद उठा रहे हैं। फिरोजाबाद से अयोध्या भेजी जाएगी 10,000 चूड़ियां, राम सीता वाली चूड़ियों की बाजार में काफी डिमांड रही। भदोही में राम मंदिर के लिए ग्रामीणों ने लिया था बड़ा संकल्प, 30 सालों से मंदिर में नहीं स्थापित की राम की प्रतिमा, अब स्थापना पे मनाएंगे उत्सव। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बढ़ाई गई शहर की सुरक्षा, पुलिस अफसरों के साथ आईजी ने किया निरीक्षण। मुंबई में कार सेविकों ने प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले किया हवन, कार्यक्रम के सफल होने की कामना की। अयोध्या के सूर्यवंशी क्षत्रियों की पूरी हुई प्रतिज्ञा, राम मंदिर बनने तक पगड़ी नहीं पहनने की खाई थी कसम, अब फिर से पहनी पगड़ी, बोले सूर्यवंशियों का संकल्प पूरा हुआ। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मेरठ में निकाली गई जन जागरण रथ यात्रा, राम जन्मभूमि आंदोलन के कार सेवक सुनील भराला शामिल हुए। अमेरिका के सियाटल में राम भक्ति में डूबे भारतीय समुदाय के लोग अयोध्या से अमेरिका तक पहुंचे निमंत्रण, भजन कीर्तन के साथ की श्री राम की आराधना। आम आदमी पार्टी के सुंदरकांड पाठ करने के फैसले पे सांसद मनोज तिवारी ने कसा तंज, कहा इस आयोजन में भी घोटाला ना हो। आम आदमी पार्टी के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया, कहा संघ के एजेंडे का दे रहे हैं साथ, सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत। फतेहाबाद में बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने विपक्ष पे निशाना साधा, कहा राम मंदिर जाने का बॉयकॉट करने वालों को जनता जवाब देगी। हरियाणा में 22 जनवरी को रहेगी छुट्टी, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के चलते सरकार का फैसला। खुफिया एजेंसियों ने पंजाब सरकार को अलर्ट किया, मंदिरों को निशाना बनाना चाहते हैं आतंकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से आंध्र प्रदेश केरल का 2 दिवसीय दौरा, 4,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का दक्षिण भारत का ये दूसरा दौरा, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे से की थी साल की शुरुआत। आज दोपहर 2:30 बजे आंध्र प्रदेश के पुट्टाभर्थी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स का करेंगे उद्घाटन। देर रात केरल के कोच्चि पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, स्टेट हाउस मरीन ड्राइव में करेंगे रात्रि विश्राम। कल गुरुव्यूर मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कोची में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन, कोहिमा से आगे बड़ी यात्रा, कोहिमा के फुलवाड़ी में होगी जनसभा, उससे पहले कोहिमा वॉर सिमेट्री में देंगे श्रद्धांजलि। इस यात्रा में पैदल यात्रा के साथ साथ बस का सफर भी शामिल है, 15 राज्यों की 100 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए मुंबई में इसका समापन होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी का 8वां समन, अब बयान दर्ज कराने के लिए हुए तैयार। 20 जनवरी को हेमंत सोरेन दर्ज कराएंगे बयान, मुख्यमंत्री सचिवालय में आने को लेकर ईडी को दी जानकारी।
दिल्ली में ठंड और कोहरे का जबरदस्त असर बरकरार, सुबह कई इलाकों में जीरो के पास पहुंची विजिबिलिटी। दिल्ली में कोहरे के चलते कई विमानों के संचालन पे असर, बदला गया उड़ान का वक्त। फ्लाइट में देरी पर यात्रियों को व्हाट्सएप करेगी एयरलाइंस, डीजीसीए ने जारी किए निर्देश। दिल्ली में बढ़ती ठंड ने बेघरों की मुश्किलें बढ़ाई, रैन बसेरों में गुजार रहे हैं रात। पंजाब और हरियाणा में आईएमडी का रेड अलर्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से करवट लेगा मौसम। इंडिगो की गोवा दिल्ली फ्लाइट के यात्रियों का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ, फ्लाइट लेट होने के चलते रनवे पे खाना खाते दिखे यात्री। उत्तरकाशी जिले में मूल निवास और भू कानून की मांग को लेकर यमुना घाटी में उबाल, लोगों ने अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रतियों को यमुना में बहाया। हिमाचल के किन्नौर में लोगों ने पेयजल के लिए खोजी नई तरकीब, तैयार कर रहे हैं प्राकृतिक ग्लेशियर, गर्मियों में इनके पिघले पानी का इस्तेमाल करेंगे। झारखंड के गढ़वा जिले में जंगली हाथियों ने आतंक मचाया, 10 घर को क्षतिग्रस्त किया। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी ने शुरू किया वॉल राइटिंग प्रोग्राम, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी हिस्सा लिया। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज करेंगे करौली का दौरा, श्री महावीर स्वामी के करेंगे दर्शन। कोटा के रामगंज मंडी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने गरीब परिवार के बीच किया भोजन, बोले मां के हाथों के भोजन की याद आई। दुर्ग पुलिस ने की सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत, ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट पहन के निकाली जागरूकता रैली। दिल्ली में भवाना इंडस्ट्रियल एरिया में अगले एक साल में लगाए जाएंगे 50,000 पौधे, भवाना इंफ्रा डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पुलकित अग्रवाल ने घोषणा की। लखनऊ में 21 साल की ऐश फातिमा को किया गया भारत के सबसे बड़े युवा महोत्सव अस्तित्व में सम्मानित, ऐश फातिमा ने 800 से अधिक महिलाओं को सफल बनाने में मदद की। रेगिस्तान में भारतीय सेना ने भरी हुंकार, जैसलमेर में बैटल एक्स डिवीजन ने दिखाई अपनी बेजोड़ ताकत। जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना ने युद्ध अभ्यास किया, टीम वर्क और बेजोड़ धैर्य का प्रदर्शन किया। पोखरण के फील्ड फायरिंग रेंज में सुनाई दी टैंकों की गूंज, दुश्मन के ठिकानों में घुसकर ट्राइक का अभ्यास किया। चमोली में पांडुकेश्वर के नव निर्मित मंदिर में 9 वर्षों बाद यक्षराज कुबेर हुए विराजमान, 4 दिन के विरोध अनुष्ठान के साथ हुई प्राण प्रतिष्ठा। गौ सेवा आयोग ने हरियाणा की गौशालाओं के लिए दी 34 करोड़ रुपए की सौगात, रोहतक को मिला 3 करोड़ रुपए का बजट। कांग्रेस आलाकमान ने हरीश चौधरी को दी बड़ी जिम्मेदारी, 100 से अधिक लोकसभा सीटों को जिताने का दिया टास्क। केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पहुंचे, खूंटी आदिवासी न्याय महाअभियान कार्यक्रम में शिरकत की। उधमसिंह नगर के बाजपुर में प्रधानमंत्री के जनमन कार्यक्रम का वर्चुअल आयोजन, कार्यक्रम में राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट भी शामिल हुए। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने करौली जिले का दौरा किया, पूर्व मंत्री रमेश मीणा के दामाद को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजने की बात भी कही। राजस्थान के अलवर में विधायक महंत बालकनाथ योगी ने राहुल गांधी पे कसा तंज, कहा यात्रा के बहाने लोगों से चंदा मांगते हैं राहुल गांधी। नीति आयोग की रिपोर्ट में देश के लिए गुड न्यूज, पिछले 9 साल में करीब 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में सबसे पहले हो सकता है ऐलान, यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ 17 जनवरी को होगी बातचीत। उद्धव गुट ने विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, स्पीकर ने शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने से इंकार कर दिया था। प्रधानमंत्री जनमन योजना के 1,00,000 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री की सौगात, आवास के लिए मिली पहली किश्त, वर्चुअली कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का जनजाति समूहों में संवाद। दीपे के शिकार हुए सचिन तेंदुलकर गेमिंग ऐप को प्रमोट करते नजर आया वीडियो, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान, जल्द ही आईटी एक्ट के तहत बनेंगे सख्त नियम।
बरेली पुलिस ने 6 राज्यों में चोरी करने वाले गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया। वाहन को काटकर बीमा कंपनी से वसूलते थे पैसा। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को किया गिरफ्तार। युवती को कई दिन से कर रहा था परेशान। झारखंड के गढ़वा जिले में पुलिस का अवैध शराब कारोबार के खिलाफ छापेमारी अभियान। 30 क्विंटल जावा महुआ किया नष्ट। पटना पुलिस ने ली सराहनीय शपथ। गुमशुदगी मामलों की जांच को प्राथमिकता देगी पुलिस। हरियाणा सरकार के रेडार पे प्रदेश के सभी थाने और चौकियां। 765 थाने चौकियों पर 7500 सीसीटीवी कैमराज रखेंगे नजर। आइसलैंड में ज्वालामुखी के लावे से घर जलने का वीडियो ड्रोन कैमरा में रिकॉर्ड। ग्रिंडाविक में एक महीने से कम के में दूसरी बार ज्वालामुखी फटा। लावा पहुंचने से पहले ही खाली करा लिया गया था ग्रिंडाविक शहर। लोगों को फिलहाल कोई खतरा नहीं। यमन के हॉथिस ने अमेरिकी कंटेनर जहाज को मारी टक्कर। कोई हताहत नहीं। यूएस सेंट्रल कमांड ने दी जानकारी। ड्रोन से नजर आई स्विट्जरलैंड के दावोस की शानदार तस्वीरें। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 की यहां हो रही बैठक में दुनिया भर के कई बड़े लीडर्स ले रहे हैं हिस्सा। अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन को अस्पताल से मिली छुट्टी। पेंटागन की ओर से साझा की गई जानकारी।